अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अपनी फेवरेट मूवीज़ को किस तरीके से स्ट्रीम कर सकते हैं और किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में HD क्वालिटीज़ में मूवीज़ को स्ट्रीम करना चाहते हैं, TV शोज़ को स्ट्रीम करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए सिंपली आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर इस सर्च बॉक्स में आपने लिखना है VBOX। जब आप VBOX लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। सिंपली आपने इसको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो सिंपली आपने इसको ओपन करना है। जब यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आता है। सिंपली आपने अपने ईमेल के थ्रू इस पे साइन अप कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मूवीज़ को स्ट्रीम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपने अपना नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है और कन्फर्म पासवर्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने साइन अप किया हुआ है, आपने जस्ट साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद जिस भी ईमेल के थ्रू आपने इस एप्लीकेशन पे साइन अप किया है उसके थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही मिनिमल है। यहाँ पे आप अपनी फेवरेट मूवीज़ को, लेटेस्ट मूवीज़ को, TV शोज़ को बहुत ही आसानी से स्ट्रीम भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास लाइव TV शोज़, उसके बाद जो रिसेंटली एडिड मूवीज़ यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे ऐड की गई हैं वो आपके पास शो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास वेब सीरीज़ का ऑप्शन भी आ जाता है, तो यहाँ पे आप वेब सीरीज़ को भी स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मूवीज़, और यहाँ पे अगर आप बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में आएँ तो आपके पास अपने अकाउंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया था वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ चेंजेस हैं, अपनी फेवरेट मूवीज़ को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस सेक्शन को देख सकते हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा आगे आएंगे, इसके ऊपर जब आप टैप करेंगे तो आपके पास सीरीज़ जितनी भी इस एप्लीकेशन पर सीरीज़ अवेलेबल हैं वो सारी आपके पास ओपन होकर आ जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हिंदी में भी मिल जाती हैं, लेटेस्ट भी मिल जाती हैं, जो भी आप इसमें सर्च करना चाहें तो आप वो इसको सर्च भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके आगे आप आएंगे तो आपके पास मूवीज़ का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास मूवीज़ की एक बहुत बड़ी कलेक्शन मिल जाती है, लेटेस्ट मूवीज़ आपको इसमें मिल जाती हैं जिनको आप बिल्कुल HD क्वालिटी में बिल्कुल फ्री में स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक सर्च बटन भी होता है, आप अपनी फेवरेट मूवीज़ को सर्च भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम अक्षय कुमार की एक लेटेस्ट मूवी आई है जिसका नाम है बच्चन पांडे, उसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप बच्चन पांडे सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होके आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पर मूवीज़ को डाउनलोड भी किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली अगर आप प्ले बटन के ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 सर्वर आते हैं। नंबर 1 सर्वर में आप किसी भी मूवीज़ को 1080p में स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 सर्वर में आप 720p और नंबर 3 480p। तो यहाँ पे आप 720p तक वीडियोस को बहुत ही आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्वर 3 पे मूवीज़ को स्ट्रीम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपने सर्वर 3 के ऊपर टैप करना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने इस प्ले बटन के ऊपर टैप करना है तो आपके पास ये वाली वीडियो, ये वाली मूवी बहुत ही आसानी से यहाँ पर लोड हो जाएगी और लोड होने के साथ ही आपके पास यहाँ पर प्ले भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाली वीडियो बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्ले हो चुकी है। तो आप भी यहाँ पे अपनी फेवरेट मूवीज़ को इजीली स्ट्रीम कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन पे किसी भी फेवरेट मूवी को डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने किसी भी मूवी को सर्च कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्ले के साथ ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, सिंपली आपने इस डाउनलोड बटन के ऊपर टैप करना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप ड्राइव में से बहुत ही आसानी से इस वीडियो को, इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने इस डाउनलोड बटन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे शो बटन के ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट, जितनी भी आपकी इंटरनेट स्पीड है उस हिसाब से आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप कौन सी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं और आप इस मूवी को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेजी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप VBOX एप्लीकेशन पर अपनी फेवरेट मूवीज को स्ट्रीम भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारा मेथड आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।